कनाडा और भारत के संबंध निचले स्तर पर हैं। अब पंजाब पुलिस एक्टिव हो गई है, उसने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, यानी कि उसे हर जगह तलाशा जा रहा है देश विदेश में। गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी बराड़ के कनाडा में छिपे होने का संदेह है। उस पर खालिस्तानी चरमपंथियों के साथ संबंध होने का आरोप है। उसके खिलाफ भारत में 13 मामले दर्ज है। पंजाब पुलिस की ये कार्रवाई राष्ट्रीय जांच एजेंसियों द्वारा शुरू होने के बाद हुई है। दरअसल भारत में गतिविधियां चलाने वाले खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ ये जांच चलने के बाद शुरू हुई। एजेंसी ने हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंडा और लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा सहित आतंकवादी समूह बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 5 सदस्यों के बारे में जानकारी देने के लिए नगद इनाम की घोषणा की। इन सभी के खिलाफ गुरुवार को ऑपरेशन शुरू हुआ था। आपको बता दें कि 5000 पुलिसकर्मी पंजाब के हर जिले में छापेमारी कर रहे थे। यह ऑपरेशन राज्य के सभी 22 जिलों में चलाया जा रहा है और एक रिपोर्ट तैयार कर अधिकारियों को सौंपी जाएगी। वहीं भटिंडा में पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के 81 ठिकानों पर छापेमारी की है। पंजाब के ADGP कानून व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने कहा कि गोल्डी बराड़ के खिलाफ हम काम कर रहे हैं और छापेमारी की जा रही है, सभी वरिष्ठ अधिकारी इसको देख रहे हैं। शुक्ला ने कहा कि सूचीबद्ध गैंगस्टरों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया चल रही है। बराड़ ने ट्रक चालक के रूप में किया काम। गोल्डी बराड़ उर्फ सतेंद्रजीत सिंह पंजाब के मुक्तसर जिले का मूल निवासी है। लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसकी दोस्ती तब हुई जब वे दोनों लगभग 10 साल पहले चंडीगढ़ में छात्र राजनीति में सक्रिय थे। बराड़ 5 साल पहले छात्र वीजा पर कनाडा चला गया और कुछ समय तक ट्रक चालक के रूप में काम करता रहा। इस साल की शुरुआत में देश ने उसे 25 सर्वाधिक वंचित भगौड़ों में सूची में शामिल कर लिया। गायक सिद्धू मूसेवाला की 29 जून को पंजाब के मानसा जिले में उनके गांव मूसा के पास उसकी SUV में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अगले दिन बराड़ ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा था कि उसने एक अन्य गैंगस्टर की हत्या का बदला लेने के लिए हत्या की योजना बनाई। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।